नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। कोरोना के खिलाफ जंग तेज, वैक्सीन का दैनिक उत्पादन 2.5 लाख से बढ़कर 40 लाख डोज हुआ। 85% कारगर नया टीका भी मिला। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर, यूपी में हाहाकारी हुई लहरें, राजस्थान में मुश्किल हालात, बिहार में 11 और झारखंड में 14 की मौत। संसद में बिजली विधेयक 2020 पेश करने को लेकर सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दर्ज कराया विरोध। अमेरिकी राइफलें और स्विस पिस्टलों से लैस किए गए एलएसी पर तैनात जवान, दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस का दावा, राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित, ट्विटर ने किया इनकार। सीएम योगी और जेपी नड्डा आज आगरा में मिशन 2022 की रणनीति पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को दी चेतावनी, अपनी भाषा पर संतुलन रखें। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत, विभागीय जांच वापस होने के बाद खत्म हो सकता है निलंबन। वीडियो कॉल कर युवती ने बनाया था अश्लील वीडियो, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा ने लखनऊ में दर्ज कराई FIR। पूर्वांचल में उफान पर गंगा, वाराणसी में चेतावनी बिंदु से ऊपर गया जलस्तर, बलिया गाजीपुर के खतरे के निशान पर। हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 38 लोग हिरासत में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फटकार लगने के बाद हरकत में आई पाक सरकार। यूएन में म्यांमार के राजदूत को मारने की साजिश विफल, न्यूयॉर्क पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कतर के विशेष दूत से की मुलाकात, अफगानिस्तान को लेकर दोहा शांति प्रक्रिया पर चर्चा। यूएन की विशेष दूत ने किया राजनीतिक समझौते के लिए तालिबान की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। अफगानिस्तान में शनिवार को हुए एक बम विस्फोटक में अफगान वायुसेना पायलट की मौत, वाहन को निशाना बनाकर किया गया था विस्फोट। ओलंपिक में 121 साल का इंतजार खत्म, नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला गोल्ड दिलाया, जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का 7 नंबर 1 रहे। नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देगी BCCI, टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं के लिए खोला खजाना। बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में लिया, भारत को 6ठा मेडल दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, नीरज की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे मोबाइल पर बात की। जडेजा का डबल धमाल, कपिल देव और इमरान खान के क्लब में मिली एंट्री। करण जौहर की तख्त फिर से हो रही है शुरू, प्री प्रोडक्शन का काम चालू, 150 करोड़ के बजट में बनेगी फिल्म। स्टेज 3 के कैंसर से जंग जीतने के बाद करण जौहर की फिल्म से कम बैक करेंगी नफीसा अली, बोली सिनेमा ही है मेरा जुनून। शानदार डायलॉग और खतरनाक सीन से भरा वेब सीरीज एम्पायर का धमाकेदार ट्रेलर आउट। राज कुंद्रा की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई खारिज, गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर किया था चैलेंज। आ
अमिताभ बच्चन के बंगले की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस को मिला बम रखने की धमकी भरा कॉल। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।